अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, मैं शबनम चौधरी, अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम खटखटी इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल वाशी के इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। हमारे स्कूल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे स्कूल में होने वाले अलग अलग तरह के एक्टिविटीज और एडुकेशनल वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। आज इस वीडियो में हम मज़मून यानी सब्जेक्ट उर्दू में कवायद की तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में मालूमात लेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ एक्सरसाइज कुछ मश्क सॉल्व कराऊंगी जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक है इस्म ज़मीर, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है कि इस्म किसे कहते हैं, ज़मीर किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों हम इस्म और ज़मीर की तलाश करेंगे जुमलों में, यानी जुमलों में इस्म और ज़मीर कहाँ है कैसे है वो हम तलाश करेंगे। उस ज़रूरी है कि सबसे पहले हम देखें कि इस्म कहते किसे हैं, फिर नाम, जगह, जानवर, चीज़, ये सब के नाम को हम कहते हैं इस्म। इस्म की तारीफ क्या हुई? किसी शख्स, जगह, चीज या जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। यानी जुमलों में अगर आपको किसी शख्स का नाम नजर आता है, कोई जगह कोई चीज का नाम नजर आता है या जानवर का, तो आप क्या कहेंगे? वो लफ्ज इस्म है। इसी तरीके से देखिए, आपके सामने जमीर की तारीफ भी आई। ऐसे अल्फाज जो इस्म के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं ज़मीर कहते हैं। मिसाल के तौर पर कितने सारे अल्फाज हैं जो हम इस्म की जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप, उन, तुम, वो, उस, उन्हों, इन्हें, मेरी, मुझे, तू, तेरा, तुझे, हम, तुम्हारा, वगैरह वगैरह। तो यानी जुमलों में जब इस तरह के आपको अल्फाज नज़र आए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ज़मीर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने एक सवाल आया है, मंजर सेल जुमलों में इस्म पहचान कर खत कशीदा कीजिए यानी अंडरलाइन कीजिए। तो एग्जाम में भी बच्चों आपके सामने इसी तरीके का सवाल आएगा और आपको उसको समझ के उस हिसाब से काम करना है। तो देखिए, पहला जुमला हम आपके पास आया, नासिर का घर बहुत दूर है। तो कोई भी देखिए कह लेगा कि जो पहला लफ्ज नासिर है वो क्या है, इस्म है। ये देखिए दूसरा सवाल, मुझे करीब के जंगल में जाना पड़ा। तो यहाँ पर जगह का जो नाम है वो है जंगल और उसके नीचे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तीसरा जुमला, मेरा नाम मुबारक है। जाहिर सी बात है मुबारक यहाँ पे इस्म है क्योंकि वो किसी का नाम है, तो हमने उसके नीचे अंडरलाइन किया। मेरा भाई लंदन में रहता है। तो यहाँ पर जो जगह का नाम है वो है लंदन। ये बिल्ली किसकी है? जानवर है बिल्ली, तो हमने इसके नीचे निशानदेही की। और ये आपके सामने आखिरी जुमला आया है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो किताब है वो है इस्म। तो बच्चों किस तरीके से आसानी से आप जुमला पढ़ के उसके नीचे इस्म पहचान कर आप आसानी से निशानी लगा सकते हैं। थोड़ी जमीर के सवाल भी हल किए जाए। मजरा ज़ैल जुमलों में जमीर पहचान कर अंडरलाइन करना है, खत कशीदा करना है। आपके सामने पहला जुमला आया, नेक काम में मेरी मदद कीजिए। अब यहाँ पर मेरी जो है वो जमीर है क्योंकि किसी के नाम इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन किसी के बारे में कहा गया है कि मेरी मदद कीजिए, तो यहाँ पर जमीर क्या हुआ, मेरी। हम आज स्कूल नहीं गए, यहाँ पे जो पहला लफ्ज है हम, ये ज़मीर है क्योंकि किसी के बारे में कह रहा है, मुखातिब कर रहा है किसी को या किसी की तरफ इशारा कर रहा है। वो फूल है, तो यहाँ वो कहलाएगा ज़मीर। इन लफ्जों के मानी याद करो, यहाँ पे इन कहलाएगा ज़मीर। बहुत अच्छे हो, किसी को मुखातिब किया जा रहा है, तो तुम के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे।
इसका घर स्कूल के करीब है। तो यहाँ पे इस जो है वो क्या हुआ, जमीन। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम आपके सामने इस्म और जमीर के सवाल आए तो आपको उसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके नीचे निशानी लगानी है। एक बार फिर आपके सामने जमीर और इस्म की तारीफ आई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसके हिसाब से जो है वो आपके आने वाले इम्तिहान की भी तैयारी करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज एंड थैंक यू।